बहुत सारे लोगों के जो पेट्स होते हैं ना वो कुत्ते होते हैं मेरा पेट एक टाइगर था मेरे को पैसे कहाँ से मिले मेरे पास तो बिल्कुल ही पैसे नहीं थे बिकॉज मैं तो 25 साल का था और 600 सौ रुपए की सैलरी में क्या बचा सकता रिसर्च पे हमको एक आंसर मिला वो ये आंसर था कि लोगों को कंप्यूटर नहीं चाहिए लोगों को कंप्यूटराइजेशन चाहिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि अगर आप इंडियन हो तो यू मस्ट बी कॉर्नर शॉप वाला पान बेचते हैं या कुछ यू नो छोटी मोटी चीजें बेचते हैं आप लोग बोलते हैं कि किसने सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर फैक्ट्री बनाई लोगों को यह पता है कि DCS ने बनाई एल ने बनाई किसी को नहीं पता कि HCL ने बनाई थी ग्यारह रुपए से कहानी शुरू हुई और आज एच सी की साइज है टेन बिलियन डॉलर ने क्वेश्चन पूछा था आगे क्या होगा आगे ये होने वाला है कि ऑल ऑफ यू विल लिव फॉर आप शायद तीन साल रहे आप शायद दो साल रहे आप शायद पांच साल रहे आप तो घबरा जाएंगे पर पर होने होने वाला है आज जो स्टॉक्स हमारे बीच में एक ऐसे शख्स मौजूद वाले हैं हम सबसे बात करने वाले हैं हम सब उनसे सवाल पूछने वाले हैं जो हमारे देश में एक बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने या फिर टेक्नोलॉजी में उन्होंने बहुत काम किया लोगों को एक नई दिशा और दशा दिखाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और मुझे लगता है वो कंपनी जिस कंपनी के वो फाउंडिंग पर्सन है एच uh, सी किसने उसका नाम नहीं सुना होगा डॉक्टर अजय चौधरी जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं जोशॉक्स के स्टेज पर <प्राँगा> <प्राँगा> सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जोशटॉक्स पर uh, आप आपने रिसेंटली एक बुक लिखी मेरा पर्सनली भी ऐसा मानना है कि कई बार uh, चीजें मतलब uh, जैसे कि बाई बर्थ जो चीजें हमें मिलती हैं राइट हम कैसे घर में पैदा हो रहे हैं हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं और उसके हिसाब से हमारा फ्यूचर डिसाइड होने लग जाता है आपने अपनी बुक में लिखा कि आपके फादर एक ब्यूरोक्रेट थे राइट और आप एक बड़े घर में रहे शुरुआत से अच्छी एजुकेशन मिली मिली आपको सारी चीज़ें तो आप आज जहाँ पे हैं आपने जो एस सी एल के साथ जो विजन देखा जो सीड आइडिया बड़ा एक बिजनेस में डेवलप किया इतना चेंज लेके आने की कोशिश करी वहाँ तक पहुँचने के पीछे कितना बड़ा श्रेय देते हैं आप नियति को बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि आप जिस जगह में पैदा हुए जिस माहौल में आप देखिए मैं आ, मेरे फादर जो थे वो आई ऑफिसर थे हम छोटी छोटी जगह से बड़ी बड़ी जगह से छोटी जगह गए छोटी जगह से बड़ी जगह गए तो जहाँ मेरा जन्म जन्म हुआ था वो माउंट आबू था और वो पुराने ज़माने में ब्रिटिश यू नो रेजिडेंट्स के लिए घर बनाया गया था और लेक के ऊपर लोकेटेड था मैंने तो मेरे को तो याद भी नहीं है मैं तो बहुत ही उसी टाइम पैदा हुआ था आब, माउंट आबू से हम लोग गए एक छोटे शहर शहडोल में वहाँ तो पानी भी नहीं होता था बिजली बिजली पानी कुछ नहीं था रोड भी बड़ी मुश्किल से दो चार थी वहाँ से हम पहुँचे नौगा शहर वहाँ बड़ा बढ़िया घर था इतना बड़ा लॉन था सब कुछ था और वहाँ नेहरू जी से मुलाकात भी हुई क्योंकि नेहरू जी को मेरे फादर ने घर बुलाया इंदिरा जी भी आई थी तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि बात करते करते मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया तो मैंने उनको एक लाल गुलाब दिया मैंने कहा देखिए उनको लाल गुलाब बहुत पसंद था आपको याद होगा तो मैंने उनको एक लाल गुलाब दिया और फिर मैंने उनसे पूछा कि आपकी गाड़ी के आगे ये फटपटी बहुत सारी आई हैं मुझे फटपटी में बहुत इंटरेस्ट है तो बोलते एक दिन तुम्हारे लिए मैं फटफटी लेके दे दूंगा तो इस तरह की बात हुई अजीब अजीब फिर उनके हाथ में एक चोट थी मुझे याद है तो मैंने पूछा ये चोट कैसे लगी आपको क्या ना वो मेरा हाथ दब गया था गाड़ी यू नो गाड़ी में डोर के साथ तो इस तरह से मेरी छोटी सी कहानी शुरू हुई फिर मैं उसके बाद पहुंचा जबलपुर और उसके पहले मैं एक शहर में रहा रीवा वो भी एक छोटा शहर था पर बड़ा इंटरेस्टिंग शहर था क्योंकि वहाँ के जो महाराजा थे उन्होंने वाइट टाइगर को ढूंढा था और वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी मेरे लिए कि एक वाइट टाइगर था और दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे बचपन में मेरे को याद है वो ये है कि बहुत सारे लोगों के जो पेट्स होते हैं ना वो कुत्ते होते हैं मेरा पेट एक टाइगर था तो मेरे फादर को छोटे शहर कहीं बाहर गए हुए थे जंगल वंगल में तो उनको एक बेचारा बच्चा घूमता हुआ मिला अकेला ऑर्फंड तो उसको उठा के ले आए और बोलती है तुम्हारा है तो इस तरह से मेरी कहानी शुरू हुई कि भाई एक टाइगर कब जो था वो मेरा दोस्त बना अब वहां से जब मैं याद करता हूं कि इस छोटे बड़े अच्छे शहर बुरे शहर बैकग्राउंड ऑफ आईएएस ऑफिसर वो सब की बैकग्राउंड से मुझे क्या मिला सबसे बड़ी चीज़ मुझे मिली एजुकेशन क्योंकि मेरे फादर ने मुझे डंडा मार मार के अंग्रेजी सिखाई क्योंकि जब मैं हिंदी स्कूल में था और मेरे को जबलपुर लाया गया तो वहां पे तो इंग्लिश स्कूल था तो तीन महीने में मुझे एक फास्ट ट्रैक अंग्रेजी सिखाई गई और उसके बाद मैं हिंदी मीडियम से अंग्रेजी मीडियम में गया विच वॉज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी एज अ स्कूल एंड द स्कूल वॉज फेंटेस्टिक इट इज अंड्रेड एंड फिफ्टी ईयर ओल्ड स्कूल क्राइस्ट चर्च So, वहां मेरी पढ़ाई हुई तो जो पढ़ाई है और एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी उस उसका मेरे के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ा और दूसरा कि मेरे फादर के जो वैल्यू सिस्टम्स थे उसका मुझे बहुत इंपैक्ट पड़ा क्योंकि जो फैमिली होती है ना वो वैल्यू सिस्टम सिखाती है और उसके बेसिस पे आप जब आगे जाते हो तो आप सही चीजें करते हो गलत चीजें नहीं करते तो मैंने देखा उनको कि भाई एक बार कोई उनको एक डब्बा लाया था कहते ये मिठाई का डब्बा है तो जब उन्होंने मिठाई का डब्बा खोल के देखा तो उसमें तो नोट्स थे ओके पैसे वैसे थे तो वो कार उनकी बाहर जा रही थी वो दौड़ के गए कार के शीशेस के बीच में से उन्होंने वापस फेंक दिया ना दैट्स अ वैल्यू सिस्टम वो सिखाया गया हमें बचपन में कि भाई गलत चीज़ें मत करिए वो जो पढ़ाई हुई उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी मेरे फादर को बड़ा अजीब लग रहा था कि कॉलेज किसी भी किसी ने भी हमारे पूरी फैमिली में इंजीनियरिंग नहीं करी थी तो मैंने कहा मैं तो इंजीनियरिंग करूँगा उसमें मैंने जाके चूज़ किया इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम टेलीकॉम तो जबलपुर का सबसे पुरा सबसे अच्छा प्रोग्राम था पर उसी साल उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू किया था तो मैंने कहा चलो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम करते हैं ये बढ़िया रहेगा वो जो एक डिसीजन मैंने लिया इलेक्ट्रॉनिक्स का वो बड़ा बढ़िया निकला क्योंकि जब आ, आगे जाके मैंने जॉब्स अप्लाई करना शुरू किया तो उन दिनों जॉब्स तो बहुत ही कम होते थे ज़्यादातर जॉब गवर्नमेंट में होते थे और हमारे कॉलेज के सारे लोग कहीं मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और टेलीकॉम मिनिस्ट्री और आ, यू नो इस इस तरह की गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनीज में चले जाते थे मैंने कहा यार ये तो ठीक नहीं है तो मेरे भाई ने एक दिन बोला कि आप ये सब छोड़ो प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करो मैंने भी यही किया है और दूसरा थोड़ा सेल्स और मार्केटिंग सीख लो और ये सब जो आपका थिंकिंग है ना कि सिर्फ आपने इंजीनियरिंग करके इंजीनियर ही बनना है वो जरूरी नहीं है आप इंजीनियरिंग सीख के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं और मार्केट कर सकते हैं तो मेरे को उन्होंने तीन चार किताबें दी मैंने उसको पढ़ना शुरू किया और मैं आई लर्न लॉट अबाउट मार्केटिंग एंड सेल्स एंड आई टू अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट सो जब मैं पास आउट हुआ तो uh, मेरे जो मैंने बहुत जगह अप्लाई किया कोई जवाब नहीं आ रहा था छ महीने निकल गए तो हम लोग चार बहुत अच्छे दोस्त थे हम लोग गार्डन में बैठे हुए ऊपर देखते रहते थे कि भाई कोई शायद आ जाए कहीं से तो उस चक्कर में एक दिन एक एक हफ्ते में मुझे तीन इंटरव्यू आए और तीनों इंटरव्यू मेरे दिल्ली शहर में थे और मेरी बहन वहाँ रहती थी मैंने कहा तो बड़ा अच्छा हो गया फ्री में रहेंगे आराम से जाएंगे एक ही हफ्ते में तीनों इंटरव्यूज मैंने दे दिए उसको तीनों जॉब्स मिल गए अब एक जॉब तो किसी को मिल नहीं रहा था अब मेरे को तीनों जॉब्स मिल गया था मैं सोचा क्या करूं अब कौन सी जॉब लूं सैलरीज वर अप्रोक्सीमेटली सेम वही 500-600 रुपए पर मंथ किसी में थोड़ा 800 था किसी में 600 था फिर मैंने सोचा अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स किया है तो डी सी एम डेटा प्रोडक्ट्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है मैं उसको ज्वाइन करता हूँ तो आई टुक दैट डिसीजन अगेन दैट टर्न आउट टू बी द राइट डिसीजन बिकॉज उसके बाद DCM डेटा प्रोडक्ट्स में ज्वाइन करने के बाद बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए मेरे और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स आई लर्न इन 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 सी के हाउ टू सेल विच बिकेम वन ऑफ द मंत्रास ऑफ माई लाइफ बिकॉज इन माई बुक जस्ट एस्पायर आई ऑलवेज टॉक अबाउट हाउ दिस केपेबिलिटी दिस स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस स्किल के साथ आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं एक अंग्रेजी सीखिए और एक सेलिंग सीखिए ये दो चीजें अगर आप सीखते हैं यू कैन डू वेरी वेल इन द वर्ल्ड तो मेरे को वो बहुत अच्छे से सिखाया गया और जब सिलेक्शन हमारा हो रहा था तो बड़ी साइंटिफिकली सिलेक्ट किया ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जिनकी अचीवमेंट ओरिएंटेशन हाई थी और सेल्स के लिए और सीईओ जॉब के लिए अचीवमेंट ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो उसके बेसिस पे हम लोग सिलेक्ट हुए दस लोगों को लिया हम लोग ज्वाइन कर गए हमको एक गंदी सी जगह बॉम्बे में भेज दिया गया और वहाँ बॉम्बे में छः सौ रुपये में आप क्या कर सकते हैं तो घर म, घर मिलना तो इम्पॉसिबल था तो वहाँ के मैनेजर थे उन्होंने बोला कि भाई देखिए मेरा एक एक घर है घाटकूपर में वहाँ रह लीजिए थोड़े दिन फिर आप अपना घर ढूंढ लेना तो हम घाटकोपर जब उनके घर गए तो देखने लायक जगह थी माई गॉड किसी भी किसी भी कमरे में आ, कहीं भी ग्लास नहीं था सब जगह ग्लास टूटा हुआ था और सारे बर्ड्स आके अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे थे वहाँ तो पूरा भरा हुआ गंदगी से हमने कहा अब क्या किया जाए हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं यहीं रह लेते हैं लकीली उसके घर के नीचे एक उडीपी रेस्टोरेंट था उसने हमें बचा लिया और उस तरह से हमारी ज़िंदगी शुरू हुई डीसीएम में और जब हम डीसीएम में तीन साल रह चुके थे तो एक दिन हम लोगों को लगा कि ये कंपनी तो अच्छा काम कर रही है हम लोग बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स बना रहे हैं बहुत प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं बट एक चीज़ हमको लगा कि इस बड़ी कंपनी में डीसीएम फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी थी उन दोनों तो इस बड़ी कंपनी में हमको कब तक सपोर्ट मिलेगा वो तो पैसे देने को तैयार नहीं थे जो बड़े बड़े लोग थे वो उनको अपोज कर रहे थे इस डिवीजन को कि इनको पैसे मत दो यार इलेक्ट्रॉनिक्स से इसमें क्या होने वाला है सो so, बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे कैश फ्लो के तो एक दिन हम लोग ने डिसाइड किया मेरे जो पार्टनर्स थे शिव नाडर और अर्जुन मल्होत्रा हम लोग करीब दस बारह लोग बैठे हुए थे दिल्ली में किसी कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे तो उन्होंने बोला कि भाई आप ऐसा करिए कि हुए वो वुड लाइक टू तो ज्वाइन वी वॉन्ट टू तो स्टार्ट अ कंपनी हम लोग कंप्यूटर बनाना चाहते हैं तो मैंने तो फटाफट बोल दिया कि भाई मैं तो ज्वाइन करूँगा उस तरह से करीब दस बारह लोगों को बताया गया और अगले चार पाँच दिन में छः लोग धराशाही हो गए सिर्फ चार ने एग्री किया आई इमेजिन वो छः का क्या हुआ वो तो अभी तक रिग्रेट कर रहे होंगे कि मैंने क्यों नहीं ज्वाइन किया एंड इसी अ लॉर्ड ऑफ दीज थिंग्स हैपन बिकॉज लक भी होता है एक प्ले करता है दूसरा आपको डिसीजन ऑन दैट ऑन टाइम लेना चाहिए ऐसा नहीं कि दस दिन बाद डिसीजन ले रहे हैं तो उस तरह से मैंने एकदम डिसीजन लिया बिना मदर फादर को बताए ओके okay? और हमारे पास पैसे वैसे तो थे ही नहीं तो फिर भी हमने डिसीजन ले लिया 25 साल की उम्र थी मैंने सोचा चलो क्या फर्क पड़ता है एट एज ट्वेंटी फाइव क्या रिस्क है ले लिया तो उस तरह से जो मेरी कहानी शुरू हुई उस टाइम एच बनाने की वो इस तरह से शुरू हुई कि अब जब उस टाइम हमारे को शुरू करना था तो पैसे तो थे ही नहीं कोई वीसी नहीं होता था कोई एंजल नहीं होता था कहीं से पैसे नहीं मिलते थे बैंक्स भी पैसे नहीं देते थे तो हम लोग ने सोचा कि चलो जितने पैसे हम लोग के के तो लोगों के पास है उसको बटोर के शुरू करते हैं तो छः लोगों के पास वन पॉइंट थे उससे ज़्यादा थे ही नहीं अब मेरे को पैसे कहाँ से मिले मेरे पास तो बिल्कुल ही पैसे नहीं थे बिकॉज मैं तो पच्चीस साल का था और छः सौ की सैलरी में क्या बचा सकते हैं तो ठीक है मैं घर गया मदर को बताया फादर को बताया तो बहुत गुस्सा हो गए कि भाई आपने इतनी बड़ी कंपनी छोड़ दी तो मेरे भाई का एक भाई ने उनको बताया कि नहीं 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 इसको रहने दो जो करना चाहता है करने दो तो उस चक्कर में मेरी माँ ने बोला कि भाई मैंने कुछ थोड़े पैसे बचा के रखे हैं बहुत सालों से हर महीने कुछ बचाती थी वो करीब ग्यारह सौ ग्यारह हजार है वो आप तुम ले जाओ तो मेरी मेरी माँ की जो ग्यारह हजार रुपये से कहानी शुरू हुई और आज डी एच सी एल की साइज है टेन बिलियन डॉलर्स वन पॉइंट एट सिक्स तो टेन बिलियन डॉलर और उन दिनों सबसे पहले अगर आपको कंप्यूटर कंपनी शुरू करनी थी तो लाइसेंस चाहिए होता था लाइसेंस राज था तो हमने यूपी गवर्नमेंट के पास ढूंढ लिया एक लाइसेंस उनके पास पहुंच गए हम लोग बैठ गए कि भाई आपका तो लाइसेंस फालतू पड़ा है हमको ज हमको बनाना आता है डिज़ाइन करना आता है कंपनी चलाना आता है हम तो डी में काम करते थे हमसे आप काम करिए तो किसी तरह हमने उनको कन्विंस किया और हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड एक कंपनी बनी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने सोचा था वो हमने किया हिंदुस्तान नाइम नेम जो था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए क्योंकि हिंदुस्तान उन दिनों छोटी कंपनियों को नहीं मिलता था सिर्फ पब्लिक सेक्टर को मिलता था और बड़ी कंपनीज को मिलता था तो हम तो ज्वाइंट सेक्टर कंपनी थे पार्ट गवर्नमेंट ओन्ड ट्वेंटी सिक्स तो हमने हिम्मत करके नाम के लिए अप्लाई कर दिया मिल गया वो जो नाम था वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि उस नाम के बेसिस पे हमारे जो सेल्स के लोग थे ना अगर वो कार्ड पे लोग पढ़ते थे हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड वो सब सोचते थे कि बहुत बड़ी कंपनी है एक्चुअली तो हमारी कंपनी बहुत छोटी सी थी पर उस बेसिस पे हम लोग की कहानी शुरू हुई तो सबसे पहले तो आ, हमारी कहानी शुरू हुई सिंगापुर में क्यों उस समय हमारी कंपनी करीब तीन करोड़ की थी और सिंगापुर का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड था उनकी मेरा मुलाकात हुई शिव नाडर से कहीं तो उन्होंने बोला कि आप लोग इंडिया में कंप्यूटर बना रहे हो हमारे यहाँ सिंगापुर में तो कोई कंप्यूटर कंपनी है ही नहीं तो अगर आप वहाँ आके कंप्यूटर बनाएंगे तो हम आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स देंगे तो भाई हम लोग मान गए किसी तरह कि हम करते हैं पर उसके पहले हम लोग ने जाके वहाँ मार्केट रिसर्च करी और पता किया कि हम कैसे कंपीट करेंगे ग्लोबल ब्रांड्स हैं वहाँ हम कैसे कंपीट करेंगे वो लोग तो इंपोर्ट कर रहे थे हम वहां मैन्युफैक्चर करेंगे पर हम कैसे कंपीट करेंगे तो हमने एक कहानी बनाई हमने कहा रिसर्च पे हमको एक आंसर मिला वो ये आंसर था कि लोगों को कंप्यूटर नहीं चाहिए लोगों को कंप्यूटराइजेशन चाहिए ओके okay? तो उस बेसिस पे हमने पूरी कंपनी बना दी उसका नाम हमने लिखा नाम बनाया फारिस्ट कंप्यूटर इसलिए हमने ये नाम लिया कि उन दिनों अगर आप हिंदुस्तान बोलते तो कुछ नहीं बिकेगा वहां क्यों क्योंकि उन दिनों ऐसा नहीं था कि इंडिया के बहुत सारे लोग सिंगापुर वगैरह में जा चुके थे सॉफ्टवेयर के जो अब है उन दिनों हमारा सॉफ्टवेयर का नाम वाम कुछ नहीं था जो अगर आप सिंगापुर जाएंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि अगर आप इंडियन हो तो यू मस्ट बी अ कॉर्नर शॉप वाला पान बेचते हैं या कुछ यू नो you know, छोटी मोटी चीज़ें बेचते हैं आप कॉर्न कॉर्नर शॉप वाले हैं या तो आप रबर प्लांटेशन में काम करते थे तो उस तरह के इंडियंस का यू नो इम्प्रेशन था सिंगापुर में तो उसको कैसे दूर करें तो हमने उसका कंपनी का नाम रखा फॉरी फारीस्ट कंप्यूटर्स तो पहला तो हमने नाम बदल दिया दूसरी चीज हमने क्या करी जो कंप्यूटर था उसका भी नाम हमने चाइनीज रखा क्योंकि वहां जो 85 फाइव परसेंट पॉपुलेशन है वो चाइनीज थी तो हमने उसका नाम रखा एबिकस राइट और इस तरह से हमने वहां पर कहानी शुरू करी और उसके बाद हमने सबसे बड़े एडवर्टाइजिंग एजेंसी सबसे बड़ी पीआर एजेंसी दोनों को अप्लाई ले लिया हमारे पास पैसे नहीं थे सब करने के पर हिम्मत थी तो हमने जाके पीआर एजेंसी को बोला कि भाई देखिए आप हमारी कंपनीज इन इंडिया हम यहां आए हैं आपको हेल्प करना चाहते हैं हम कंप्यूटराइजेशन करेंगे कंप्यूटर नहीं बेचेंगे और दूसरा हमने जो कैंपेन बनाया फुल पेज एड बनाया पहला पहला उसमें हमने हेडलाइन थी एफ सेल्स कंप्यूटराइजेशन नॉट जस्ट कंप्यूटर्स और उसमें हमने पूरी कहानी बताई कि what डू वी डू हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे आपके लिए स्पेशल बनाएंगे ट्रेनिंग देंगे सपोर्ट देंगे सब कुछ देंगे एक टेप देंगे जिसमें आपको पता चलेगा आप कंप्यूटर कैसे यूज़ करेंगे तो पांच चीज़ें थी उस कंप्यूटराइजेशन में और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने करी उन दिनों वो काफ़ी ब्रेक थ्रू था उन दिनों के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर फैक्ट्री बनाई मद्रास में और वहाँ हम लोग सिस्टम स्टडी करके लोगों को भेज देते थे इन्फॉर्मेशन वो बैठ के उसकी प्रोग्रामिंग करते थे वो सॉफ्टवेयर जो है बनाते थे उन दिनों कम्युनिकेशन वगैरह का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था इंटरनेट था ही नहीं सो so, कैसे मंगाएं इसको तो एक उन दिनों एक फ्लॉपी डिस्क होती थी कंप्यूटर्स पे एक फ्लेक्सिबल डिस्क होती थी उस पर ऊपर बन के सॉफ्टवेयर आता था वो हमको सिंगापुर कुरियर कर दिया जाता था कुरियर के टाइम वो एक्सरे के थ्रू कभी कभी ख़राब भी हो जाता था वापस मंगवाना पड़ता था तो इस तरह की कहानियों से हमारी कंपनी शुरू हुई अब लोग बोलते हैं कि किसने सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर फैक्ट्री बनाई लोगों को यह पता है कि टीसीएस ने बनाई इंफोसिस ने बनाई किसी को नहीं पता कि एच ने बनाई थी और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कमी हमने उन्होंने करी हमारे जो एक टेक्नोलॉजी के जो हैड थे वहां पर उन्होंने एक टूल्स बनाए जिससे प्रोग्रामिंग कुड बी ऑटोमेटेड उन दिनों आज तो सब बहुत ईजी हो गया है तो हमने ये सब ब्रेक थ्रूस किए उस तरह से हमारा सॉफ्टवेयर आता था उस तरह से हम कंप्यूटराइजेशन बेचते थे और इसी तरह से हमारी वहाँ कहानी शुरू हुई फिर हमने सोचा कि चलो कुछ और बेचते हैं कुछ और प्रोडक्ट लाते हैं सिस्टम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमने जाके सन माइक्रो सिस्टम से बात करी अमेरिका में अपोलो अपोलो कंप्यूटर से बात करी फिर हमने अपोलो को सिंगापुर में लाए बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स भी साथ लाए और उसके बाद हमने सोचा चलो जाके चाइना खोलते हैं बड़ी बढ़िया मार्केट है बट उन दिनों चाइना वहां नहीं था जो आज है बहुत ही पुराने ढंग का चाइना था तो नाइनटीन एटीज में मैंने जाना शुरू किया और मेरे को फर्स्ट ऑर्डर जो मिला वो यूनाइटेड नेशन से मिला कि एक बहुत बड़ा टेंडर था उसमें हम लोग जीत गए अब उसमें हमने जो प्राइस कोट करी वो हमारी कॉस्ट प्राइस थी तो हमारे कोई प्रॉफिट नहीं था सो द रिस्क वी टोक वॉज वी विल बी द लोएस्ट अदा भाई हमें कौन पूछने वाला है तो हमको वो ऑर्डर मिल गया अब हमें ये पता करना था उसमें पैसे कैसे बनाए जाए तो मैंने तीन लोगों को काम पे लगाया कि यू गो एंड बाय एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ दिस सोल्यूशन इस प्राइस पे जिससे हमारा थर्टी परसेंट मार्जिन बने उन्होंने दो महीने काम किया पच्चीस परसेंट पर तो पहुंच गए हमने तो कहा चलो बहुत अच्छा नहीं तो प्रॉफिट ही नहीं बनता था तो वहां से हमारी कहानी शुरू हुई और चाइना में मेरे बड़े अमेजिंग एक्सपीरियंसेस थे कि लोग कैसे खरीदते हैं चाइना में तो आप जाइए कमरे में बैठे हुए हैं बड़ा सा टेबल है वहाँ आप दो लोग इस तरफ बैठे हुए हैं दस लोग उस तरफ बैठे हुए हैं वो आपको इंडिमिडेट करते हैं कि दस लोग उस तरफ बैठे हुए हैं अच्छा कोई ही अंग्रेजी नहीं बोलता था तो ये जो मेरे साथ बैठा था वो मेरे को इंटरप्रेट करके बताता रहता था मैंने भी धीरे धीरे कुछ चाइनीज शब्द सीख लिए थे मैंिन में मेरे को पता था कि रिलेशनल डेटाबेस को क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं उसके सारे करीब मेरे पास बीस वर्ड्स थे मैंने वो भी स्विच लिए थे तो जब वो लोग बात करते थे मुझे समझ आ जाता था कि क्या बात कर रहे हैं थोड़ा बहुत पर मैं ऐसे एक्ट करता था कि मुझे कुछ भी नहीं पता यू नो दैट्स हेल्प्स यू सो एनी दैट्स हाउ वी गॉट गोइंग एंड जब जब टाइम आया नगोसिएशन का तो वो लोग गए बोर्ड पर और उन्होंने एक नंबर लिख दिया तो वो नंबर तो बड़ा क्रेजी था जो हमने प्राइस कोट करी थी उससे करीब पैंतीस चालीस परसेंट नीचे था तो हम लोग ने बोला साहब ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है वो सारे के सारे उठ के चले गए क्या करें हम वेट कर रहे हैं शाम को आठ बजे तक जवाब ही नहीं है फाइनली जवाब आया कि भाई कल सुबह दस बजे आ जाइए हम लोग फिर दस बजे सुबह गए उन्होंने कुछ नहीं बोला फिर गए बोर्ड पे और एक नंबर लिख दिया वो भी बहुत लो था थोड़ा सा बेटर था पहले से तो हमने बोला साहब ये तो कुछ हम नहीं कर सकते बहुत ही मुश्किल है फिर उठ के चले गए इस तरह से नेगोशिएट करते हैं ओके okay? अब तीसरा दिन आ रहा है तो सडनली उनको पता चल गया कि आज हमारी फ्लाइट है हम जाने वाले हैं उन्होंने सोचा आज इनको पकड़ लेते हैं तो जाने के कुछ पहले तीन घंटे पहले चार घंटे पहले उन्होंने बोला कि भाई ये प्राइस है अगर आप लेते हो तो ले जाओ नहीं तो हमको तो पता है आप जा रहे हो आप, आप खाली हाथ जाओगे इस तरह से नेगोशिएट करके उनको प्राइस मिली हम भी बड़े खुश थे क्योंकि हमने भी क्रिएशंस के साथ काम किया उनके और हमको प्राइस वो मिली जो हमको पता था कि हमको मिलेगी तो इस तरह से आप नेगोशिएट करते हैं एक और बड़ी बढ़िया कहानी है चाइना में मैं बताऊं वो ये कि मैंने किताब में भी लिखा है जस्ट एस्पायर में कि चार लोग हमारे कमरे में आए बैठ के हमारे होटल में बैठे आके नेगोशिएट करने आए थे तो उनके साथ हमारी बातचीत चल रही थी तो सडनली मैंने देखा एक बंदा उठ के गया उठा, उठा उठा कहीं गया वो वापस आया दूसरा बंदा उठा वो गया कहीं वापस आया तीसरा बंदा उठा कहीं गया वापस आया चौथे ने भी यही किया जब वो बुरी मीटिंग खत्म हो गई तो मैंने अपने कॉलीग से पूछा ये लोग क्या कर रहे थे कहां थे ये लोग तो कहता आपका बाथरूम यूज कर रहे थे नहाना चाहते थे क्यों क्योंकि उन दिनों सिर्फ पब्लिक बात सोते थे चाइना में तो ही सेट के भाई इनको तो बड़ा मज़ा आया आपके बाथरूम में जाके इनको तो साबुन मिल गया सब कुछ मिल गया इन्होंने बड़ी बढ़िया नहाया गर्म पानी मिल गया सब बढ़िया हो गया इनके लिए तो मैंने कहा भैया देखो मैं इस कमरे में अब नहीं रहूँगा <laughs> ये तो गंदा हो गया चार लोगों ने वहां नहा लिया फिर मैंने अपना कमरा बदला और किस तरह आगे बढ़े तो ये हैं चाइना की कहानियां उन दिनों की तो इसी तरह हमारी बिजनेस शुरू हुई चाइना में काम किया हमने सिंगापुर में काम किया मलेशिया में काम किया यार बिल्कुल सिस्टम इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा काम किया जब हमने कंपनी शुरू करी थी तो कंट्री में सिर्फ सौ कंप्यूटर थे और जब इतनी बड़ी कंट्री है इतनी बड़ी गवर्नमेंट है इतने सारे प्राइवेट कंपनीज हैं इतने सारे एस हैं इस कंट्री में तो हमने सोचा कि भाई यहाँ की तो डिमांड बहुत ही बड़ी होनी चाहिए तो सौ कंप्यूटर तो कुछ भी नहीं होता इसलिए हमने सोचा शुरू में कि हम जब माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ था वर्ल्ड में तब हमने उसको लाए यहाँ पर और उसके बेसिस पे हमने कंप्यूटर्स बने अपने डिज़ाइन के ग्राउंड अप और जो हमारा फैल, पहला कंप्यूटर था वो एप्पल उसी टाइम उन्होंने उस अपना पी बनाया था तो आप सोच सकते हैं कि वी वर नॉट ओनली नंबर वन इन इंडिया वी वर नॉ मच नंबर वन ऑल ओवर द वर्ल्ड हमको पता ही नहीं था उन हम लोग तो छोटे से एक वेल well में रहते थे छोटी सी कंट्री थी कोई हमको रिकोगनाइज नहीं करता था सो so, उस कंडीशन में हमने ये सब किया और ये जो मार्केट हमको पता चली हमको सबसे पहले ये पता लगा कि जो छोटी कंपनीज हैं या इवन बड़ी कंपनीज हैं उनको बहुत डर लगता था कंप्यूटर खरीदने में और उसमें कुछ मिथ्स थे सबसे बड़ा मिथ ये था कि कंप्यूटर इज डिफिकल्ट टू यूज कंप्यूटर इज एक्सपेंसिव तो हमने कहा इस मिथ्स को हम अपनी एडवरटाइजिंग से बिल्कुल क्लियर करेंगे तो हम एडवरटाइजिंग में हमने क्या किया हमने एडवरटाइज करना शुरू किया इवन अ टाइपिस्ट कैन ऑपरेट ओके एंड हमने ये भी शुरू किया ऑल इट कॉस्ट चूज सो मच मनी पर मंथ तो हमने ईएमआई का कॉन्सेप्ट इंडिया में पहली बार शुरू किया और उस तरह से हमने लोगों को इंटरेस्ट में लाए के इससे आपके पैसे बचेंगे तो हमने ये भी ये भी बताया अगर आप कंप्यूटर खरीदेंगे तो अगले तीन साल में ढाई साल में आप इसकी कॉस्ट रिकवर कर लेंगे क्योंकि ये 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 एरियाज हैं जिसमें आप कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं तो हमारे जो सेल्स पीपल थे सबको हमने ट्रेन किया था कि सब लोगों के लिए आप आर कैलकुलेट करके बताइए अगर आप इतने का कंप्यूटर उन दिनों कंप्यूटर की प्राइस बहुत हाई होती थी ढाई तीन लाख का कंप्यूटर बनता था एटीन टाइम्स द प्राइस ऑफ एम्बेसडर कार तो यू कैन इमेजिन इस प्राइस पे हम लोग प्रोडक्ट बेचते थे और सक्सेसफुल हुए राइट तो ये एक मार्केट जो हमने खोलने का स्ट्रेटेजी बनाया उससे हमको लगा कि इंडिया में हार्डवेयर मार्केट बहुत बड़ी हो सकती है और लेटर ऑन जब सॉफ्टवेयर बूम भी आया तब भी हमको ये बिल्कुल हमारे दिमाग में क्लियर था कि हार्डवेयर बूम भी आएगा और आया नहीं बहुत सालों तक But हमने हम अपना काम करते रहे और इस बेसिस पे करते रहे कि अगर इंडिया में वन बिलियन पीपल हैं तो वन बिलियन कैन बी बॉट इज़ द ड्रीम पुट अ पीसी इन एवरी होम वॉज आर ड्रीम सो यू नो दिस इज हाउ यू क्रिएट कंपनीज यू हैव टू थिंक बिग इफ यू थिंक स्मॉल आप आगे जा ही नहीं सकते जब हम लोग आ, हम लोग टेलीकॉम बिजनेस में घुसना चाहते थे तो हमने टेलीकॉम लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जिस तरह से एयरटेल ने अप्लाई किया था हमने चेन्नई के लिए अप्लाई किया उसमें एक पार्टनर लेना था ग्लोबल पार्टनर वो एक कंडीशन थी टेंडर की तो हम सिंगापुर टेलीकॉम से बात करके उनके साथ हमने बिड किया हम बिड जीत गए जीत भी, भी गए पर उसके बाद सिंगापुर टेलीकॉम ने बोला साहब हमारे पास तो बहुत बिजनेस आ गया है चाइना से हम आपके साथ काम नहीं कर सकते तो हमको तो छोड़ना पड़ा वो डायरेक्शन तो जब सोल्यूशन का डायरेक्शन दरवाजा बंद हो गया तो हमने बोला कि चलो हम लोग तो हार्डवेयर वाले लोग हैं हार्डवेयर ही ले आते हैं तो हमने मोटरोला से बात करी उसको पकड़ के ले आए फिर हमने जब थोड़े दिनों काम किया उनके साथ वो मजा नहीं आया वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी उनमें तो हम नोकिया को लेके आए अब नोकिया के शुरू शुरू में हमने पेजर्स बेचना शुरू किया और उसके बाद जब फोन आए तो फोन बहुत एक्सपेंसिव थे सोलह हजार हजार का फोन आता था वो भी ब्रिक टाइप का फोन होता था और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमने देखी मार्केट में कि जो पॉलिसीज थी ना इंडिया की वो बहुत डिफिकल्ट पॉलिसीज थी जिसके बेसिस पे ये एक बिजनेस को सस्टेन करना ग्रो करना स्केल करना वाज नॉट पॉसिबल सो व्हेन वी स्टार्ट जब हम गवर्नमेंट के पास गए तो उन्होंने बोला कि भाई हम आपसे तो बात नहीं कर सकते आप अपनी एसोसिएशन के थ्रू आइए टिपिकल बिकॉज गवर्नमेंट तो एक प्राइवेट कंपनी से बात नहीं करेगी सो so, हमने क्या किया इसकी कोई एसोसिएशन नहीं थी तो हमने एक एसोसिएशन फॉर्म करी उसका नाम है इंडियन सेलूलर एसोसिएशन वो आज भी चलती है एच सी एल वॉज फाउंडर मेम्बर तो हमने आईसीए को शुरू किया और उस आई सी ए के थ्रू हमने एक चार्टर बनाया कि ये दस चीजें हमने बदलवानी है इस कंट्री में सबसे पहली चीज हम ये चाहते थे कि एक उन दिनों एक कॉन्सेप्ट था कॉलिंग पार्टी पेज अब आप सोच लीजिए आप किसी को कॉल कर रहे हैं आप पे कर रहे हैं कॉल के लिए अजीब सा कहानी थी तो हमने उसको बदलवाया फिर उसके बाद ड्यूटीज बदलवाई इस तरह के हमने करीब आठ दस चेंजेस करवाए स्टेट्स में और सेंटर में थ्रू दिस एसोसिएशन तो सबसे पहले जब आप एक प्रोडक्ट को स्केल करना चाहते हैं मार्केट करना चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप एक इकोसिस्टम एक को करेक्ट करिए सबसे पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप्स के लिए लोग इको के ऊपर ध्यान नहीं देते और फिर कैसे आप ग्रो कर सकते हैं तो सबसे पहले हमने इको को करेक्ट करवाया उसको करेक्ट करा करात करते करते दो चार साल निकल गए इन तब तक हमारे को एक रुपए भी नहीं बनता था नोकिया से बिकता ही नहीं था करते करते पहुंचे हम लोग एक दिन तो एक दिन हा, नोकिया के कुछ लोग आए हुए थे तो मैंने उनके साथ बैठ के बातचीत शुरू की मेरा तो कुछ इंटरेस्ट नहीं था नोकिया में बिकॉज मेरी दूसरी बिजनेस इतनी बड़ी बड़ी थी नोकिया कुछ भी नहीं कर रहा था हमारे लिए तो फिर भी मैंने कहा चलो कुछ टाइम लगाते हैं तरह से बैठे 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 मैंने बोला देखिए साहब ये अब इस तरह से काम नहीं चलेगा हमने जितना करना था इको को बनाना था हमने वो करेक्ट करवा दिया हमने आपको कमिट किया था हम करवाएंगे इंडिया इज़ नाउ रेडी टू तो एक्सेप्ट यू तो दो चीज़ें हमें करनी है सबसे बड़ी चीज़ ये करनी है कि आपका जो सिस्टम ऑफ सेलिंग है इंडिया में वो इनकरेक्ट है वो ये कि आप लोग जिस तरह से अमेरिका में बेचते हैं वो यहां भी बेचते हैं आप वो नहीं चलेगा अमेरिका में आप क्या करते हैं आप अपना जो फोन है वो किसी ए को दे देते हैं और जो बंदा है वो ए से जाके सर्विस लेता है फोन अपने आप आ जाता है उस तरह से क्या होता है इंडिया में अगर आप उस तरह से करते रहेंगे तो वी विल बी ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द सर्विस प्रोवाइडर हमें इस तरह से काम नहीं करना है हमें इसको इस तरह से काम करना है जैसे हिंदुस्तान लीवर सोप बेचता है तो हमें एफ मॉडल से इसको इस तरह से अवेलेबिलिटी करनी है जिससे ये हर जगह अवेलेबल हो जाए तो ये एक मॉडल चेंज करवाया हमने नोकिया से बात करके और हमने बोला हम लोग आपका प्रोडक्ट छोटे छोटे शहरों तक ले जाएंगे और बिल्कुल हमने एफ मॉडल को कॉपी किया जिस तरह से लक्स बिकता था बड़े बड़े रीडिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे बड़े पावरफुल री डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे बड़ा पैसा था उन लोगों के पास हम उन लोगों के पास गए कि आपको तो हम सिखाएंगे फोन कैसे बिकता है पर आपकी हमें फाइनेंशियल पावर चाहिए आपकी स्टॉकिंग पावर चाहिए जिससे आपके पास मनी है और आपका कंट्रोल चाहिए रिटेल के ऊपर तो उस तरह से हमने एक सिस्टम चेंज किया दूसरा हमने चेंज किया कि हमने इनको बोला नो किया क्योंकि आपकी जो प्राइस है वो बड़ी रिडिकुलस है सोलह हजार में कौन खरीदने वाला है इंडिया में इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट यहां आप चेंज करिए तो बोलते हैं क्यों करें हम हमारी हर जगह बिकती है इस प्राइस पे और अगर हम एक जगह चेंज करेंगे तो यह प्रॉब्लम हो जाएगा हमें तो हमने बोला एक इंडिया ब्रांड बना दीजिए आप एक इंडिया के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाइए तो एक इलेवन हंड्रेड करके एक प्रोडक्ट बना और वो बड़ा सक्सेसफुल हुआ तो उसके लिए हम एडवर्टाइजिंग भी हमने उनको बोला कि आप इंडियन एडवर्टाइजिंग करिए ये ये यूरोपियन एडवर्टाइजिंग यहाँ चलेगी नहीं तो अगर आपको याद होगा वो फ़ोन को हम लोग जो ट्रक था उसके सामने लटका देते थे कि कुछ नहीं होता फोन को बस डस्ट वस्ट मॉइस्चर से कुछ नहीं होता वो वहां लटका देते थे उसकी पूरा कैंपेन उसके ऊपर बेस था और दूसरी चीज उसमें क्या था एक टॉर्च था तो लोगों को अगर रात को किसी ट्रैक ड्राइवर उतरता है उसको टॉर्च चाहिए तो फोन में टॉर्च था तो उस तरह से हमने प्रोडक्ट को चेंज करवाया और तीसरी चीज मैंने उनको बोली ये सिक्सटीन थाउजेंड तो नहीं चलेगा नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड में दे दीजिए तीन हफ्ते बाद लड़ाई घुड़ाई करके कि हमको मिल गई पूरी प्राइस और हमने उनको एक नंबर दिया था हमने बोला था इतना हम बेचेंगे वी सोल्ड थ्री टाइम्स दैट नंबर तो बड़े कन्विंस हो गए देन हमने क्या किया कि वो लोग हमारे वो लोग सेलिब्रेट करने आए हमारे साथ कि आपने तो कमाल कर दिया इतना तो हम कहीं भी नहीं बेचते सो देन इट्स कि वो ओबरा होटल के यू नो ऊपर एक बहुत बढ़िया जगह थी वहां पर उन्होंने हमारे लिए पार्टी करी तो पार्टी में हम लोग ड्रिंक-प्रिंक कर रहे थे बातचीत कर रहे थे तो उसके बीच में चार लोग उठे उनकी तरफ से और उन्होंने बोला कि अब क्या करना चाहिए द नेक्स्ट स्टेप तो मैंने कहा नेक्स्ट स्टेप इज 6600 रुपीस <laughs> तो भाई जो मेरे आ, साथ वाले लोग थे ऑफिस में वो तो घबरा गए ये क्या बात कर रहा है 600 6000 कौन देगा मैंने कहा यार चुप रहो देगा और दिया right. उससे पूरी मार्केट बदल गई एक तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करी जिससे 120,000 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस बने और दूसरी हमने प्राइसिंग ऐसे करी और इंडियन एडवर्टाइजिंग करी ये कॉम्बिनेशन के साथ पूरा एनवायरमेंट बदल के सो so, एनवायरमेंट और ये तीन स्ट्रेटजीज़ इनको कंबाइन करके स्केलिंग हुई कंपनी की स्केलिंग हुई नंबर्स की इन थ्री टू फोर इन विद इन द नेक्स्ट

अब आप डेली टारगेट लीजिए जिस तरह से वन डे इंटरनेशनल होता है तो मैंने उसको बोला ओडीआई मॉडल ऑफ सेलिंग तो सबके रन रेट बनाए हम लोग ने आपका रन रेट इतना है आज आप इतने मशीन लीजिए उसके बाद हम वो पीछे नहीं देखना पड़ा वी टुक द मार्केट टू सेवेंटी परसेंट मार्केट शेयर विच नोकिया नेवर हैड एनी इन द वर्ल्ड एंड वी वर नोकिया लार्जेस्ट कस्टमर इन द वर्ल्ड सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे बिजनेस के इनिशियल डेज में जो प्रोफेशनल डिस्प्यूट्स और मनी प्रॉब्लम जैसी समस्या आती है तो यंग ऑन्ट्रप्रप्रिनर्स और इनफैक्ट आपने इन सब चीज़ों से कैसे डील किया और जो यंग ऑंट्रप्रिनर्स हैं राइट नाउ हमारे देश के वो इन सब चीज़ों से कैसे डील करें लाइक like, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उनको देखिए शुरू शुरू में जब आप कंपनी शुरू करते हैं टिपिकली तीन चार तरह की कंपनीज बनती है कुछ होती है सिंगल फाउंडर कंपनी जो सिंगल फाउंडर कंपनी है उसमें तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है बट उसमें सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है कि लोग सिंगल फाउंडर कंपनीज को फंड नहीं करते क्यों नहीं करते क्योंकि वो एक तरह से लगता है कि वो अपना फैमिली बिजनेस बनाना चाहता तो ये काम तो आप करिए नहीं अगर आप इस तरह में सिंगल फाउंडर बिजनेस शुरू करेंगे आपको फंडिंग नहीं मिलेगी दूसरी चीज यह है कि दो तीन फाउंडर्स होते हैं तीन फाउंडर्स होते हैं नॉर्मली किसी भी कंपनी में छोटी जो कंपनी शुरू होती है थ्री फाउंडर्स गुड नंबर पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये करनी होती है जब आप बहुत सारे लोग साथ साथ शुरू करते हैं आपको ये दिमाग में रखना है कि कहीं ना कहीं तो डिसएग्रीमेंट होगा कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आएंगे बहुत सारी कंपनीज में लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि वी आर ऑल इक्वल तीनों हम लोग इक्वल हैं वो चलता नहीं है सबसे पहले आप यह डिसाइड करिए हु इज द कैप्टन अगर कैप्टन नहीं है तो कंपनी नहीं चलेगी तो सबसे पहले आप यह डिसाइड कर लीजिए कि भाई दिस पर्सन इज गोइंग टू बी द कैप्टन देन व्हाट इज द रोल ऑफ ईच ऑफ द पीपल वो भी डिसाइड कर लीजिए कोई करेगा आर एंड डी कोई करेगा फाइनेंस कोई करेगा सेल्स और इस तरह की कैपेबिलिटी क्रिएट करिए अमंग द फाउंडर्स विच इज वेरी कंपैटिबल तो फिर क्या होगा कि आपकी सक्सेस रेट इंप्रूव हो जाएगी फिर भी आपके डिसएग्रीमेंट जरूर हो सकते हैं तो उस डिसएग्रीमेंट के लिए आप लोग स्ट्रेटेजी शुरू से बनाइए वो स्ट्रेटेजी शुड बी कि भाई आप एक स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम भी बना लीजिए दस परसेंट जो है आपकी इक्विटी उसमें एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम में भी डाल दीजिए जिससे अगर एक या दो फाउंडर्स का काम नहीं चला तो एक फाउंडर जैसे निकल के चला गया तो किसी और को भी आप फाउंडर बना सकते हैं फिर से और वो इक्विटी जो है वो आप ट्रांसफर भी करवा सकते हैं या वो दस परसेंट से भी लेके उसको फाउंडर बना सकते हैं तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज यूज करने से आपका जो डिसग्रीमेंट भी होगा वो आगे बढ़ के नहीं जाएगा तो एच ने हमने क्या किया हमने बोला शिवनाडर तो हमारा कैप्टन था डीसीएम में उसी को कैबिनेट बना देते हैं वहां से कहानी शुरू हुई अर्जुन मल्होत्रा नंबर टू थे उनको नंबर टू बना दिया तो जो पूरी हैर की थी एच डीसीएम की उसको हमने एच में रेप्लीकेट कर लिया और उस तरह से हम लोग की यू नो डेवलपमेंट इसी तरह से हुई कि कंपनी में लोगों के साथ डिसएग्रीमेंट नहीं होते थे जैसे कंपनी बड़ी होती गई हमने सबको फ्रीडम दे दिया कि भाई डू एवर दे वॉन्ट टू डू दे कैन डू सो वन और टू ऑफ द फाउंडर्स लेफ्ट दे स्टार्टेड देयर ओन थिंग ठीक है बाय द टाइम द कंपनी वॉज सो बिग इट डिट मैटर नमस्ते अजय जी मेरा एक बेसिक सवाल है मैंने आपके लाइफ में अभी सुन रहा हूँ तब से देख रहा हूँ कि बहुत अलग अलग चीज़ें आपने देखी है आपने इंटरनेशनल मार्केट देखा है आपने इंडियन मार्केट में काम किया है और इस चीज़ को देख के अभी जो डेवलपमेंट आईटी सेक्टर या टेक्नोलॉजी में हो रही है आपको कैसे लगते हैं आपके इरा से अभी तक या आज से अगले कुछ वर्षों में क्या फ्यूचर है इस चीज़ का जो आपने स्क्रैच से शुरू करा है आपने देखा है इंडिया में हंड्रेड पी थे राइट कंप्यूटर right, थे और आज तो अनगिनत मेरे पास दो लैपटॉप है यहां लोग हैं इनके पास दो दो लैपटॉप है तो ये जो डिस्कवरी में एग्जैक्टली एग्जैक्टली exactly, exactly. <laughs> तो ये जो ट्रांजिशन है ये आप कैसे देखते हो और फ्यूचर क्या है इस चीजों का देखिए भाई जब इस कंट्री में हार्डवेयर से कहानी शुरू हुई बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता कि जितनी सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू हुई उनकी कहानी हार्डवेयर से शुरू होती है ओके okay. जैसे अगर आप देखें इन्फोसिस लोग सोचते हैं कि वो गलत है जितने फाउंडर्स थे Infosys के वो पटनी कंप्यूटर में काम करते थे पटनी कंप्यूटर डेटा जनरल का डिस्ट्रीब्यूटर था इस कंट्री में और वहां डेटा जनरल ने उनको एक सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट दिया जिससे उनकी सॉफ्टवेयर की कहानी शुरू हुई और उस सॉफ्टवेयर की कहानी शुरू होने के लिए नरेंद्र पटनी ने आ, इस इनको हायर किया मूर्ति को और बोला तुम ये बिजनेस शुरू करो हमारे साथ और उसके बाद तीन या चोर लोग जो थे नंदन डिलकेरी ये सब आते यार मिल गए और इस तरह से कहानी जो है वो गॉन बॉर्न आउट ऑफ हार्डवेयर द सेम गोज फॉर टी सी एस टी सी एस टी सी एस क्या था टाटा बरोस था जो बरोस कंपनी थी उनके साथ उनका एक एग्री, एग्रीमेंट था तो वो लोग जब बरोस खरीदते थे तो वो बोलते थे इतना मुझे सॉफ्टवेयर बिजनेस दे दो तो उस तरह से उनकी सॉफ्टवेयर की कहानी शुरू हुई राइट विप्रो देख लीजिए विप्रो ने भी हार्डवेयर की बिजनेस शुरू, शुरू 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 में हमारे बाद में हमने सबसे पहले हार्डवेयर शुरू किया उसकी कहानी थोड़ी मैं बताता हूं विप्रो ने भी इस तरह तरह सो इसी तरह से जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर से बॉर्न आउट हुआ बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं है तो अगर आप एच को देखें हम लोग ने हम लोग के पास जैसे हमने सिंगापुर शुरू किया था तो so, 1989 में हमारे पास ये मैकेंजी आए मैकेंजी तो बड़ी भारी भारी कंपनी है कंसल्टिंग कंपनी इंडिया में एंट्री कर रहे थे एंड आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ पॉइंट बताना चाहता हूँ कि टेन इयर्स इन टेन इयर्स ही स्टार्टेड इन 76 इन 86 वी वर द लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन इंडिया टेन इयर्स सो मैकेंजी कम्स एंड सेस आप तो सबसे बड़ी कंपनी हो यहां पर हम आपको पहला कस्टमर बनाना चाहते हैं तो हमने बोला माफ़ करिए हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है आप तो बड़े एक्सपेंसिव होंगे कह कहते तो नहीं आपके लिए फ्री करेंगे तो उन्होंने प्रो बोनो एक हमें प्रोजेक्ट करने को बोला तो हमने बोला कि भाई आप सारे हमारे प्रोडक्ट्स देख लीजिए हम लोग करते क्या हैं और उसमें से आप बताइए कि हम कर क्या आपका आइडिया है तो उन्होंने हमारे प्रोडक्ट सारे देखे अच्छे से और उसमें से उन्होंने बोला कि आपके पास एक जो मल्टी प्रोसेसर यूनिक्स बेस्ड प्रोडक्ट है वो बहुत यूनिक है किसी के पास नहीं है दुनिया में और जो आपने यूनिक्स डिज़ाइन करी है ऑपरेटिंग सिस्टम फाइन ग्रेंड यूनिक्स उसको हम लोग बोलते थे वो किसी के पास नहीं तो आप इस प्रोडक्ट को अमेरिका ले जाइए और वहां मैन्युफैक्चर करिए आई मीन दैट इज़ लाइक सेइंग कोल टू न्यू कासल फिर भी हमने मैकेजी थे तो हमने बात मान ली पाँच करोड़ का हमने लोन लिया आईसीआईसीआई से हमारे पास तो पैसे थे नहीं तो हमने सिलिकन वैली में जाके एक हार्डवेयर फैक्ट्री शुरू कर दी अब सोच लीजिए दिस इज कॉल्ड क्रेजीनेस सो इन दिस क्रेजीनेस वी लैंडेड अप इन 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 अमेरिका एंड वी हैड दैट रिस्क टेकिंग सो हम लोग तो थे चलो जाते हैं तो एक एक बंदे को हमने वहां भेजा फिर फैक्ट्री लगवाई काम शुरू किया सेल्समैन को लगा दिया ऑर्डर्स आने लगे खूब सारे ऑर्डर्स आ गए और जब डिलीवरी करने का टाइम आया तो हमें पता चला कि जो प्रोडक्ट था उसमें जो पावर सप्लाई था उसका फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं था एंड दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन दैट पर्टिकुलर पावर सप्लाई इज नॉट एक्सेप्टेड इन अमेरिका ऑल ऑर्डर्स वेंट अवे एवरीथिंग इट वेंट टू जीरो लिटरली और एक जो बड़ी भारी कंपनी थी जिसने हमारे ऑर्डर किए थे दैट गॉट बॉट आउटडिय सो वी वर लेफ्ट विद अ फैक्ट्री पीपल लोन एंड नथिंग टू डू

वर्ल्ड बेस्ट इन दैट एरिया सो हमने जाके छ सात बड़ी बड़ी कंपनी में बात करी और उनको बोलाट पैकर्ड वॉज वन ऑफ दोज कंपनीज हम उनके पास गए आपके आर एंडी में इस तरह के इंजीनियर नहीं है हमारे इंजीनियर्स ले लीजिए वो आपके यहां काम करेंगे हार्डवेयर कंपनी बी गेमसर कंपनी एंड दैट साड द सॉफ्टवेयर बिजनेस later on this business this little business which became bigger and bigger was called hcl technologies which is the third largest software company in the country why is it called technologies because we started with r&d and engineering uh, solutions we were not doing what the infosys of the world were doing they were doing application software which is much easier engineering r&d means that you are actually exporting engineering r&d capability and our first customer was cisco in that we were designing products and software for Cisco. So that's what I mean that you need to be very smart and you should be able to pivot quickly in an adjacency area and pick up where you left off. So, in the next two years, we converted a problem into a solution. That's how we created the software business. Later on, of course, HCL went public.

शिव बोलते हैं कि अजय ही जस्ट गॉट अ कॉल सो आई सेड क्या हुआ कहता है यार वी वर प्लानिंग टू बाय अ वेरी बिग कंपनी इन यूके वो इंफोसिस ने उसको खरीद लिया है एंड वी लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी 800 मिलियन डॉलर्स ने खरीद लिया है तो ऐसे ही बात कर रहे थे धीरे 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 फिर वो कुछ देर में तीन चार कॉल्स हुए उनके मैं तो उसमें इन्वॉल्व नहीं था क्योंकि मैं तो हार्डवेयर बिजनेस चलाता था तो उन्होंने मुझे बोला कि हम थिंकिंग ऑफ अ स्ट्रैटेजी मैंने कहा क्या स्ट्रैटेजी कहते देखो मैं अभी नहीं बताऊंगा उन्होंने क्या किया? दैट्स हाउ यू क्रिएट कंपनीज एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड टू क्रिएट आर सॉफ्टवेयर सो मेरा ड्रीम यह है कि इंडिया शुड बिकम अ हार्डवेयर प्रोडक्ट नेशन ऐसा इसी तरह सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेशन बना इसी तरह हार्डवेयर प्रोडक्ट नेशन बना इसी तरह हमें हर एरिया में प्रोडक्ट नेशन की थिंकिंग चाहिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको क्यों चाहिए इंडिया इज द लार्जेस्ट डायमंड कटिंग इंडस्ट्री करेक्ट बट हु डायमंड कटिंग मशीन वे द रियल मनी इज चाइना तो हमें जाके ये सोचना है कि हम प्रोडक्ट एंड में क्या काम करें हर एरिया में और अगर हम इस तरह से सोचते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हमको बनाने पड़ेंगे जो जिससे हम ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सके ओके सर्विसेज में वैल्यू कम है मैन्युफैक्चरिंग में क्या मार्जिन मिलता है 600 डॉलर का एप्पल है उसमें चौतीस डॉलर की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो हम क्या कमाल कर रहे हैं इंडिया में बैठ के हंड्रेड मिलियन फोन बेच रहे हैं ठीक है बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हमने स्केल बनाया तो यही मैं चाहता हूं कि इंडिया जो है वो एक प्रोडक्ट कंट्री बने चाइना इज बिकम अ प्रोडक्ट कंट्री इन द लास्ट ट्वेंटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा हर किस्म के स्टार्टअप्स को कि टू सक्सीड यू हैव टू हैव द पैशन एंड बिलीफ इन वॉट यू आर डूइंग इफ यू डोंट हैव द पैशन एंड बिलीफ इन वॉट यू आर डूइंग डोंट इवन स्टार्ट द सेकेंड पॉइंट इन दिस इज दैट द जर्नी इज नॉट लीनियर द जर्नी विल बी अप एंड डाउन अप एंड डाउन दथिंग कॉल्ड लीनियर जर्नी इन कंपनीज़, एवरी बडी एवरी स्टार्टअप थिंग्स के मैंने चार साल में दो तीन सौ करोड़ कर लिए मैं दो दस साल में एक हजार करोड़ करूंगा ऐसा नहीं होता है बिकॉज एनवायरमेंट्स इम्पैक्ट योर बिजनेस कभी कोविड हो गया कभी वर्ल्ड में किसी चीज की शॉर्टेज हो गई वॉर हो गया ये हो गया ये सब ऊपर नीचे होता तो so ये इसके लिए क्या चाहिए इसके लिए चाहिए परसिवियरेंस परसिवियरेंस इन वॉट यू हैव you are doing and you should have that belief and continue to do that and don't get carried away with money okay be frugal the last point i want to mention i think which i have very strong belief was that as a person you have to be a rangist you should know a lot of things about many other things beyond your vertical वर्टिकल इज हार्डवेयर और वर्टिकल इज सॉफ्टवेयर डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू उसी नॉलेज में आप बैठे हुए हैं कूप मंडूक बन के नहीं बैठिए आप जाइए और बहुत सारी दूसरी भी चीजें सीखिए जिससे आपको एक वर्ल्ड व्यू मिले तो मैंने क्या किया मैंने कहा मैंने जब मैं कॉलेज में होता था तो मुझको स्पेस में बहुत इंटरेस्ट था ठीक है इस तरह से मैंने बहुत सारे इंटरेस्ट डेवलप किए अपने लिए मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते थे मैंने सिंगिंग सीखी थी स्कूल में कॉलेज में थोड़ा बहुत गाता था अब मैंने जब रिटायर किया तो मैंने एक टीचर अपॉइंट किया मैंने कहा मुझे सिंगिंग सिखाइए। तो हर चीज़ को मैंने इस तरह से बनाया जिससे मेरी एक रेंज में इंटरेस्ट आया ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक जैसे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में आई में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलता हूँ आई बिलीव आर ऑल नर्ड्सू आर कमिंग आउट ऑफ देयर वट इज देंस इन प्रोड्यूसिंग मोर नर्ड्स आप एक प्रॉपर वेल राउंडेड पर्सनैलिटी को क्रिएट करिए वो आप रेंज से क्रिएट करते हैं तो ये मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और चौथी पॉइंट जो आपने मुझे बताई कि भाई बिलगेट से मिलने से क्या फायदा हुआ मैं बिलगेट से मिला वहां मुझे रे कुर्जवील से मिला रे कुर्जवील तो दुनिया के सबसे बड़े फ्यूचरॉलिस्ट हैं तो वो उन्होंने मुझे बताया कि यू कैन लिव फॉर एवर तो उनके मैंने कहा कि लिव फॉर एवर कैसे सर कहते मैंने एक किताब लिखी है अपने एम दोस्त के साथ और देर इज अ फॉर्मूला टू लिव फॉर मैंने वो क्या है फॉर्मूला तो वो बोले कि भाई बॉडी इज अ केमिकल फैक्ट्री अगर आप उसकी केमिकल फैक्ट्री का कॉम्पोजिशन को, को मेंटेन करते हैं तो यू कैन लिव फॉर तो फिर उन्होंने जेब से एक बुढ़िया निकाली उसमें साठ गोलियां थी कहते मैं साठ गोलियां खाता हूं रोज और हर वीकेंड में अपना ब्लड ब्लड बदलता हूं माई बॉडी माई एज इज सेवेंटी फाउ फोर So so, आपनेगा आगे, आगे ये होने वाला है कि ऑल ऑफ यू विल आप शायद तीन सौ साल रहे हैं आप शायद दो सौ साल रहे आप शायद पांच सौ साल रहे आप, आप तो घर आ जाएंगे <laughs> पर होने वाला है क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है जैसे एक नैनोबोट्स की टेक्नोलॉजी कुरिया में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं वो लोग नैनोबोट्स को आपको इंजेक्ट कर दिया जाता है आपकी बॉडी में और नैनोबोट्स जाके आपके जितने सेल्स डिस्ट्रॉय हैं उनको फिक्स कर देते हैं तो ये सब चीजें हो रही हैं और जो फ्यूचरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसके बारे में बहुत लिखा है तो मैं जब गेट्स से मिला बहुत सारे लोगों से मिला मेरे को एक चीज हमेशा याद रही मैंने किताब में भी लिखा है इफ यू स्टैंड On the shoulders of tall men, you can see far. That's how I learned too. So many. क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सके और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सोल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप तो इंतजार किस बात का है आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए क्लिक द लिंक नाउ